नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 10 जून 2021 साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में भारत में लगेगा या नहीं, गर्भवती महिलाएं कौन सा उपाय करें, क्या करें क्या ना करें जिससे कि आपके शिशु को कोई भी नुकसान ना हो, भारत में यह कितने बजे से लगेगा और इसका सूतक काल क्या रहेगा। गर्भवती महिलाएँ ज़रूर करें यह छोटा सा काम ताकि आपका शिशु सुरक्षित रह सके। दोस्तों सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो कि हर साल होती रहती है, वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं। इसी के साथ ज्योतिष में कुछ ऐसे भी उपाय बताए गए हैं जिनको करने से सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको साल 2021 के पहले सूर्य ग्रहण 10 जून को लग रहा है इसका सही समय सूतक काल के बारे में बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण सावधानी के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ अगर आपको भी अपने शहर का जानना है कि आपके शहर में यह सूर्य ग्रहण कब लग रहा है तो आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ आपको बताएंगे कि आपके सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से ऐसे कार्य हैं जो करना आवश्यक है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो करना वर्जित है, तथा आप अगर अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण का सही समय और यह किन किन देशों में देखा जा सकता है। तो साल 2021 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण 10 जून गुरुवार को लगेगा। यह ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:42 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण की समाप्ति शाम के 6:41 पर होंगी। यह ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5:39 पर होंगी। दोस्तों यह ग्रहण भारत सहित रूस, मंगोलिया, यूरोप, ग्रीनलैंड, कनाडा, उत्तरी भाग और चीन के पश्चिमी भागों में दिखाई देगा, लेकिन यह भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा जिसका असर भारतवासियों पर होगा। ऐसे में भारत के तमाम लोगों को महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल की बात करें तो ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा और ग्रहण समाप्त होने तक ये लगा रहेगा। दोस्तों खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। उन्हें ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना होगा, खासकर ग्रहण की छाया गर्भ में बिल्कुल भी ना पड़े इसका विशेष ध्यान रखें। ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते को डाल देना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन और पेय पदार्थों को ग्रहण का दोष नहीं लगता है। ग्रहण के समय सभी लोगों को अधिक से अधिक भगवान के ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए एक एक करके जानते हैं ग्रहण के दौरान कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को कौन से ऐसे कार्य को करना है, कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनको करने से इनके गर्भ में पल रहे शिशु पर हल्का सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखें। हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान घर के अंदर 4 दीवारी में रहना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान घर से बाहर निकलना हानिकारक होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाकू, पिन और सुई जैसी नुकीली चीज़ों से दूर रहना है। जी हाँ, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिशु में विकृति का कारण बनती है ग्रहण के दौरान, इसलिए आप चाकू, छुरी या किसी भी धारदार वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल भी न करें। जी हाँ, नहीं तो इससे अधर्में बच्चे के अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण का जब भी पड़े तो आप सुई धागा का उपयोग इस समय के दौरान बिल्कुल भी न करें। ग्रहण की अवधि के दौरान भगवान का नाम लेने के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से न देखें क्योंकि इसमें आंखों की रोशनी खराब हो सकती है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए आप सोए नहीं बल्कि फर्श पर फैली हुई घास पर बैठने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण की पहले से भी स्नान करके रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए महामृत्युंजय मंत्र
संतान गोपाल मंत्र और सूर्य मंत्र या फिर विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए तथा सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आप मंत्रों का उच्चारण करें। जो भी आपको आता है उन सभी मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण के दौरान कई प्रकार की अशुद्ध और हानिकारक किरणें निकलती हैं। वैसे में ग्रहण के दौरान शमशान घाट पर बिल्कुल भी न जाएं, सुनसान जगहों पर न जाएं। और कुछ कार्य हैं जिन्हें ग्रहण के दौरान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन भी पानी भी नहीं पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान स्नान न करें। ग्रहण समाप्ति होने के बाद स्नान जरूर कर लें। ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से न देखें। हालांकि चंद्रग्रहण को देखने से आंखों पर कोई असर नहीं पड़ता है, परंतु सूर्य ग्रहण की बात करें तो इसे आप कभी भी खुली आंखों से न देखें। ग्रहण के दौरान आप गुरु मंत्रों का जाप करें। अगर आपके घर में मंदिर है तो मंदिरों के कपाट को ग्रहण के दौरान या ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप बंद कर दें। इसी के साथ ग्रहण के जब चले तो आप भगवान के मूर्तियों को स्पर्श बिल्कुल भी न करें। पूजा पाठ या किसी भी प्रकार का शुभ कार्य न करें, नहीं तो वो भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इन सभी कार्य को करना ग्रहण के दौरान वर्जित होता है। और हमने आपको बताया ग्रहण भारत में कब लगेगा, सूतक काल कब लगेगा और गर्भवती महिलाओं को कौन सी सावधानी बरतनी है तथा आपको कौन से मंत्रों का उच्चारण भी करना है। ऐसे में अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सभी जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब अब जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी मिल सके। धन्यवाद।